नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉपिंग गुरुजी पे। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि आपके सामने बिस्किट के पैकेट हैं जो कि नमकीन बिस्किट हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि हमारे चैनल पे जो कहते हैं हम सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। यानी कि दोस्तों, जो बात होती है बिल्कुल सही सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, पूरी सही से डिटेल आपको दी जाती है ताकि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। दोस्तों, आपको भी पता होगा बिस्किट की भी हम शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रोडक्ट आज आपके सामने हम लेके आए हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के आपके सामने नमकीन बिस्किट दिखाई दे रहे होंगे जिनका टेस्ट भी अलग अलग होने वाला है, लेकिन टेस्ट में बेस्ट कौन सा है आज ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज हमको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले खा कर चेक किया जाएगा। इसके पहले आपको बताने दूं कि इसका रिव्यू करेंगे कि कौन से बिस्किट का प्राइस कितना है, क्वांटिटी हमें कितनी मिलती है और कितनी क्वांटिटी के अंदर कौन सा बिस्किट आपको बेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, चाय के साथ भी इनको टेस्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों, हम इंडियंस क्या है कि हम चाय के साथ बिस्किट खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं हो कि चाय के अंदर हम डिप करें, उसके अंदर बिस्कुट रह जाए, उसके बाद दूसरे बिस्कुट से हम उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसको बिस्कुट को निकालने से पहले वो दूसरा बिस्कुट भी अंदर डूब जाए, फिर हम तीसरे बिस्कुट से फिर से उसको निकालने की कोशिश करें, फिर भी वो तीसरा भी डूब जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमें क्रंची बिस्कुट चाहिए जो कि चाय के अंदर डिप होने के बाद भी पूरा का पूरा यानी कि साबुत बार आए और अपने मुंह तक लेकर जा सके और टेस्ट भी उनका बेस्ट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस हिसाब से आज हम पूरी जो रिव्यू इनका करेंगे और उसके साथ साथ अनबॉक्स भी करेंगे। तो सबसे पहले इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे ये स्नैक्स जो जिग जैग है जो कि प्रिया गोल्ड जो ब्रांड है उसका है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिया गोल्ड का CNC है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिया गोल्ड का बटर डिलाइट है। इसके अलावा दोस्तों, आप बताऊं जो पार्ले का जो है रिच बटरी है जो टॉप है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिया गोल्ड का ही आपके सामने दिखाई दे रहा है चीजी क्रैकर। इसके अलावा दोस्तों, पार्ले का है क्रैक जैक। इसके अलावा पार्ले का मोनाको। इसके अलावा क्रीमिका का आपको सामने अजवाइन क्रैकर दिया। इसका जो बड़ा साइज ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा अजवाइन क्रैकर, ये 20 रुपए की पैकेजिंग है, 10 रुपए की पैकेजिंग आपको मिल जाता है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्राण जो ब्रांड है उसी का ये फिट क्रैकर्स है जो कि 15 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। ये 10-10 रुपए की सारी पैकेजिंग है जो कि काफी वाजिब प्राइस है। इसके अलावा दोस्तों, अगर साइज की बात करें तो स्नैक जो ये स्नैक्स है प्रिया गोल्ड का जिग जैक, इसके अलावा CNC मोनाको, इनके साइज काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। उसके बाद क्रैक जैक। तो दोस्तों, हमें क्या है कि साइज नहीं, हमें क्वालिटी भी चाहिए। क्वांटिटी तो बेटर करती है लेकिन दोस्तों, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, खाने में तो अच्छा लगना चाहिए। चलिए दोस्तों, अलग अलग बिस्किट के हिसाब से अपने बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, ये देखो प्रिया गोल्ड का आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये स्नैक्स जिग जैक है जो कि क्लासिक सॉल्टेड बिस्कुट है। इसके ऊपर आपको पैकेजिंग कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई देती है। इसके ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी बताए हुए हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से आप क्या है कि देख सकते हैं, ये इसके अंदर क्या है कि 25% एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी पैकेजिंग है इसकी रेड कलर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, वहीं CNC की अगर बात करें तो दोस्तों, ये हैं जो नमकीन का ट्विस्ट यानी कि मीठे में नमकीन का ट्विस्ट यानी मीठा भी और नमकीन भी आपको टेस्ट देखने को मिलता है। इस पे भी 25% एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं अगर दोस्तों, इनके जो वेट की अगर बात करें तो इसके अंदर 90 ग्राम आपको बिस्कुट मिल जाते हैं। 10 रुपए के अंदर 90 ग्राम आपको बिस्कुट मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी आपको इसके अंदर आपको 20 ग्राम एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अंदर स्नैक्स जो ये है जिग जैग, इसके अंदर आपको 110 ग्राम मिलता है, यानी दोस्तों 20 ग्राम इसके अंदर ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों, टेस्ट में कैसा है वो भी आपको बताएंगे अभी। इसके अलावा दोस्तों, इसकी बात करें बटर डिलाइट, ये दोस्तों बटर का है तो काफ़ी समझ सकते हैं हम भी कि कंपनी ने बटर डाला है इसके अंदर, तो प्राइस तो ठीक है, 10 रुपए के अंदर हमें थोड़ी क्वांटिटी कम मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो काफी खाने में तो अच्छा होना चाहिए। बटर का मतलब है कि खाने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये मक्खन का तड़का इसके अंदर लगाया हुआ है। देखिए मक्खन का तड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, नमकीन बटर बिस्कुट आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है पैकेजिंग। ये 10 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है, तो ये पैकेजिंग आपको इस तरह से दिखाई देती है। प्रिया गोल्ड तो आपको बिस्कुट ब्रांड का नेम है। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दोस्तों, इसके अंदर वेट की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर वेट जो है, वेट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर वेट है 80 ग्राम, यानी कि दोस्तों ये 90 ग्राम, ये 80 ग्राम। देखिए दोस्तों, ये 90 ग्राम का और ये 80 ग्राम का, यानी कि 10 ग्राम का फर्क है। लेकिन दोस्तों, ये साइज में कुछ बड़े लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ठूस के यानी कि इस बिस्कुट को तैयार किया गया है, तो आप देख पा रहे हैं। और ये सॉफ्ट बिस्कुट की तरह से दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये है पार्ले का टॉप डिलीशियस एंड क्रिस्पी रिच बटरी क्रैकर्स। यानी कि दोस्तों, ये बिस्कुट आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग आपको इस तरह दिखाई देती है। ये 10 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। और वहीं अगर वेट की बात करें तो इसके अंदर 75 ग्राम वेट आपको मिल जाता है, जो कि आप ये दिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 75 ग्राम बिस्किट
इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजवाइन क्रेकर की, जो कि क्रीमिका ब्रांड का है, क्रिस्प एंड लाइट अजवाइन क्रेकर। यानी कि दोस्तों इसके अंदर अजवाइन जो है डाली गई है, जिस जो कि है कि हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अजवाइन। तो ये भी 10 रुपये के अंदर आपको पैकेजिंग मिल जाती है। वहीं अगर वेट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी वेट आपको मिल जाता है, इसके अंदर वेट मिल जाता है 88 ग्राम, यानी कि लमसम आपका 90 ग्राम के आसपास मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इसका वेट और इसका वेट सेम सेम आपको मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर मैनेको की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप पसंद भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खाते भी हैं, और इसके अंदर आपको मिलता है 39% एक्स्ट्रा, वाह ये अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो टेस्ट है वो है क्रिस्पी लाइट साल्टी स्नैक्स, ठीक है, ये आपको मिलता है, जो कि क्लासिक रेगुलर, ये देखिए दोस्तों क्लासिक रेगुलर पार्ले ब्रांड का ये है। इसके साथ साथ दोस्तों वहीं अगर बात करें 10 रुपए के अंदर, इसके अंदर जो वेट की अगर बात करें भी, हमें कितने ग्राम बिस्कुट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि देखने को नहीं खाने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों इसके अंदर वेट कुछ आपको मिल जाता है, देखिए इसके अंदर वेट मिल जाता है हमें 92 ग्राम का मिल जाता है, यानी लमसम 90 ग्राम के आसपास इसके अंदर आपको बिस्कुट मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं क्रैकजैक की, तो दोस्तों क्रैकजैक आपके सामने ये है, इसके अंदर 13% एक्स्ट्रा मिलता है, कोई 39% एक्स्ट्रा दे रहा है, कोई 25% दे रहा है, ये 13% दे रहा है हमें क्रैकजैक पार्ले ब्रांड का, ये है स्वीट एंड साल्टी, यानी कि मीठा और साल्टी, यानी कि मीठा और नमकीन आपको बिस्कुट ये मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वहीं दोस्तों अगर वेट की बात करें, 10 रुपए के अंदर अगर वेट इसके अंदर कितना मिलता है, तो 75 ग्राम इसके अंदर आपको वेट मिल जाता है, जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं प्रिया गोल्ड की चीज़ी क्रैकर की, तो दोस्तों इसके अंदर चीज़ का जो टेस्ट है ना, वो इसके अंदर हो सकता है कि मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा इस पर लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों 10 रुपए के अंदर 80 ग्राम इसके अंदर आपको जो बिस्कुट मिल जाते हैं, ये देखिए दोस्तों 80 ग्राम आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी, जो ये फिट क्रैकर्स हैं, इनके अंदर जो है आपको 15 रुपए के अंदर, जो कि काफ़ी छोटी पैकेजिंग है, लेकिन दोस्तों वेट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, पैकेजिंग कुछ आपको इस प्रकार से इसकी दिखाई देती है। वहीं अगर दोस्तों इसके अंदर वेट की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर वेट आपको मिल जाता है, वेट मिलता है 70 ग्राम वेट आपको देखने को मिल जाता है, और खाने को भी मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, ये जो छोटा पैकिंग था अजवाइन फ्लेवर, यानी कि अजवाइन क्रैकर के साथ, उसके साथ साथ दोस्तों ये है जो 20 रुपए का, इसका डबल है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको वेट मिल रहा है 20 रुपए के अंदर, आपको 50 ग्राम एक्स्ट्रा फ्री दिखाई दे रहा है इस पर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर 10 रुपए के अंदर आपको मिल रहा था, इसके अंदर वेट की अगर बात करें तो दोस्तों 10 रुपए के अंदर आपको इसके अंदर वेट लमसम मिल रहा था 88 ग्राम, यानी कि लमसम 90 ग्राम के आसपास, और इसकी अगर बात करें 20 रुपए के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर वेट जो मिलता है आपको, वो देखिए दोस्तों 150 ग्राम के आसपास मिलता है, यानी कि दोस्तों फिर भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि बिस्किट अंदर ज़्यादा हो। तो देखिए दोस्तों फटाफट से, अब इनके वेट की बात हो गई है, इनके अंदर क्वांटिटी की बात हो गई है, फ्लेवर कौन कौन से हैं इसके अंदर, यानी दोस्तों टेस्ट कौन कौन सा है उसकी बात हो गई है, अब फाइनली इनको हम खोल के देख लेते हैं, ठीक है। तो आखे आप इसी पे लगाए रखें, अब फटाफट से इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए आपके सामने चाय भी आ चुकी है, और अब टेस्ट देखते हैं कि कौन से बिस्किट का टेस्ट अच्छा है, और चाय के साथ कौन सा बिस्कुट जो है अच्छा लगेगा, और चाय के अंदर कौन सा बिस्कुट नहीं डूबेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ये जो CNC है, ये देखिए CNC का हम एक बिस्किट उठा रहे हैं। अब सबसे पहले इसको बिना चाय के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, बिना चाय के साथ इसका टेस्ट ठीक है, अच्छा है। अब चाय के साथ ये क्या सरवाइव कर सकता है, वैसे तो ये टूटा हुआ पहले से ही, तो इसको अंदर डुबोया, इसको निकाला, अभी ये चाय के अंदर गिर चुका है, तो चाय के साथ इसको ख़त्म कर देते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे ब्रांड की अगर बात करें मोनाको की, तो ये देखते हैं हम बिना चाय के साथ कैसा लगता है। तो ये देखिए हमने 2 बिस्कुट निकाल लिए, 1 बिस्कुट बिना चाय के साथ, ये बिना चाय के साथ थोड़ा साल्टी साल्टी लगा, और चाय के साथ देखते हैं कैसा ये लगता है। ये देखिए ये हमने चाय में डुबो लिया, और ये सर्वाइव कर चुका है, चाय के साथ भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद अजवाइन जो क्रैकर थे,
ये चेक कर लेते हैं जो कि क्रीमिका के हैं, ये तो ये देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर बिना चाय के साथ टेस्ट अच्छा है इसका, ये आप खा सकते हैं ठीक है, ये भी टेस्ट अच्छा है, और चाय के साथ देखते हैं सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये भी हमने चेक कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये जो पतले पतले बिस्कुट आपको दिखाई देते हैं दे रहे होंगे आपके सामने, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये थे, अभी इसी को खा कर चेक कर लिया जाता है। यकीन मानिए दोस्तों इसके जो मसाला लगा हुआ है ना वो आपको ऐसा बिस्किट नहीं लगेंगे, ये ऐसा लगेगा जैसे चिप्स आप खा रहे हैं। तो इसमें मसाला का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको चाय के साथ देखते हैं अभी कैसा ये टेस्ट देता है। चाय के अंदर डूबने के बाद भी है ना, मतलब चाय का टेस्ट नहीं आ रहा इसके अंदर, इसके अंदर मसालों का टेस्ट ही आ रहा है। तो चाय के साथ इसको ना खाएंगे तो यानी कि इसको एक स्नैक्स के तौर पर आप खाना चाहते हैं तो ये बिस्किट आप खा सकते हैं। जो ये देखिए दोस्तों इसका नाम तो आपको बताया था मैंने पहले, फिट का जो क्रैकर्स है ये। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें इसकी जो क्रैक जैक है, इसकी अगर बात करें दोस्तों ये क्रैक जैक कैसा चाय के साथ लगता है तो वो देख लेते हैं अपने। तो ये देखते हैं ये चाय में डूब गया, इसके बाद ये थोड़ा अभी हिल डुल रहा है, देखिए दोस्तों हिल डुल रहा है। वहीं दोस्तों बटर डिलाइट की बात करें तो बटर डिलाइट खा के देख लेते हैं अभी। ये जो बटर डिलाइट बिस्कुट ऐसा लग रहा है जैसे चीनी चीनी होती है ना, चीनी जैसे दांतों के नीचे आके वो अलग ही करकर की आवाज करती है। टेस्ट ठीक है पर लेकिन दोस्तों इसका बटर का टेस्ट है ना थोड़ा मेरे को कमी इसके अंदर लग रहा है, जो बटर डिलाइट इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से। वहीं दोस्तों ये जो स्नैक्स जिग जैक है ये देखते हैं दोस्तों ये कैसा लगता है। चाय के साथ भी अलग सा टेस्ट दे रहा है ये, नमकीन नमक सॉल्टी ज्यादा है। वहीं दोस्तों ये देखिए दोस्तों टॉप रिच बटरी, ये देख लेते हैं अपने। तो ये रहा ये बिना चाय के साथ इसका, इसके अंदर जो सोल्ट है ना वो बिल्कुल एकदम क्वांटिटी के अंदर डाला हुआ। ये देखिए दोस्तों ये चाय के अंदर डूब चुका है और ये थोड़ा सा हिलने डुलने लग गया है। अब इसी के बिस्कुट आपने निकाल लिए हैं, जो चीज ये जो चीजी क्रैकर है इसके बिना चाय के साथ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने चाय के साथ टेस्ट किया इसको और इसको बिना चाय के साथ भी टेस्ट किया, तो हमने टेस्ट कर लिया है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कौन विनर है, यानी कि कौन कौन से बिस्कुट विनर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही होगी, तो लेकिन दोस्तों जो आप थोड़ा क्या की सबर कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेस्ट की। अगर दोस्तों आपको मसालेदार और बिना चाय के साथ एक स्नैक्स के तौर पे बिस्किट खाना है तो ये देखिए दोस्तों ये जो बिस्किट है ये फिट क्रैकर्स, ये आप खा सकते हैं 15 रुपए के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बिस्किट भी इसके टेस्टी है अच्छे है जैसे चिप्स आप खा रहे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने है जो अजवाइन जो क्रैकर हमने बताया था, ये आप टेस्ट कर सकते हैं चाय के साथ और बिना चाय के साथ आप इजीली इसको खा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आपको बटरी थोड़ा टेस्ट पसंद है उस बटर से ज़्यादा, ये जो रिच बटरी है ना ये आप बिल्कुल बिस्कुट जो है नमकीन बिस्कुट खा सकते हैं बटरी के अंदर, अजवाइन फ्लेवर के अंदर ये बटरी के अंदर आप ये खा सकते हैं, जो टॉप जो पार्ले का है ये ब्रांड का खा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों चीजी क्रैकर अगर आपको पसंद है तो चीजी क्रैकर प्रिया गोल्ड का ही आप ये खा सकते हैं, इसके अंदर सॉल्ट भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा। और मसालेदार बिस्कुट की अगर बात करें जो कि मेरा अभी तक जो फेवरेट है, जिसको चाय के साथ तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन दोस्तों ये जो मसाले के अंदर है ना, देखिए मसाला फ्लेवर्ड बिस्कुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिट क्रैकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको खाने में लगेगा, ये टेस्ट करके आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ना बिस्कुट का जो ये रिव्यू है ना आपको पसंद आएगा। और अगर आप एक ही बिस्किट के साथ जाना चाहते हैं, सिर्फ एक बिस्किट, तो दोस्तों आप एक का मैं नहीं बोलूंगा, ये फ्लेवर अच्छा है और इसके अलावा ये जो है टॉप का रिच बटरी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मसाले में तो ये अच्छा है, तो इनके साथ इन दिनों में से आप जा सकते हैं। तो एक की बात नहीं करें क्योंकि दोस्तों टेस्ट अलग अलग भी जरूरी है, तो दोस्तों ट्राई तीनों आप कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि दोस्तों ब्रांड काफ़ी ज़्यादा थे और हमने टेस्ट भी करना था और आपके सामने रिजल्ट भी लेके आने थे, तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, आप भी समझेंगे इस बात को और मेरा साथ देंगे। और दोस्तों आपके लिए ना काफ़ी अच्छा ये जो बिस्किट की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी मुझे लगता है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके सामने ना ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे कंपेरिजन आपके सामने लेके आते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है किस प्राइस के अंदर बेस्ट है। तो दोस्तों आपके लिए ना बेस्ट हम चीज़ें लेकर आते रहते हैं, तो
सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक है ना जरूर कर देना, ताकि आप भी है ना आगे ऐसी वीडियोस में है ना मेरा जो जो साहस है वो बढ़ जाए और आपके लिए ऐसी दमदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।